नमस्कार, एमपीसीजी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। प्रजस ग्रामोत्थान सेवा कल्याण समिति के द्वारा विशाल रोजगार प्रशिक्षण, निःशुल्क प्रशिक्षण, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण, संस्था के द्वारा गांव में बढ़ती बेरोजगारी, मजदूर पलायन को देखते हुए संस्था के द्वारा संचालित ग्रामीण सशक्तिकरण की योजना समृद्ध किसान के द्वारा दिन शनिवार को दिनांक 12/12/2020 को प्रशिक्षण सेंटर का उद्घाटन ग्राम टिंगीपुर ताम्र नगरी मलाजखंड तहसील बिरसा बालाघाट में किया गया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या भारत देश की बहुत बड़ी समस्या है। आज के परिवेश में रोटी कपड़ा मकान के लिए, एक आम इंसान के लिए, परिवार के लिए व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो चुका है। मजदूर पलायन युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है एवं आज के भारत हेतु स्वयं का उद्योग या रोजगार होना अति आवश्यक है। तब जाकर हमारे गांव, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। जो कार्य संस्था विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, इस प्रशिक्षण के माध्यम से युवक युवतियां, महिलाएं, गृहिणी अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकती है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती है। संस्था के मुख्य उद्देश्य सिलाई कढ़ाई बुटीक का प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण अवधि 45 दिन होगी। ब्यूटी पार्लर कोर्स प्रशिक्षण अवधि 10 दिन है। ग्रामीण उद्योग आधारित निर्मा पाउडर का निर्माण करना एवं LED बल्ब का प्रशिक्षण एवं पशु आहार बनाने का प्रशिक्षण एवं बाम्बू शिल्प कला, बांस के समस्त प्रकार के सौंदर्य सामान, फर्नीचर, महिला बांस की ज्वेलरी निर्माण का प्रशिक्षण देना, जिस प्रशिक्षण की अवधि 7 दिवस होगी। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संस्था के द्वारा समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को जागृति एवं रोजगार से जुड़ने के लिए संस्था एवं समस्त पद पदाधिकारियों के द्वारा संचालन किया जा रहा है, जिसके संचालक प्रेम मरकाम ने बताया कि आज प्रत्येक गांव में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है एवं मजदूर पलायन बढ़ते जा रहे हैं। इन सबको रोकने के लिए इन्हें छोटे छोटे प्रशिक्षण के माध्यम से अपने स्वयं के रोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। और साथ में यह भी कहा कि आने वाले समय में पूरे बालाघाट जिले के प्रत्येक ग्राम में प्रशिक्षण आयोजन किया जाएगा एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को लाभ दिलाया जाएगा एवं स्वयं के रोजगार स्थापित करने हेतु उन्हें बाजार से व्यवस्था कराना एवं उनके द्वारा निर्मित कच्चा माल को मार्केटिंग प्रचार प्रसार के माध्यम से एक नया बाजार का निर्माण करना बताया गया। और साथ में यह भी कहा गया कि आने वाले समय में समस्त बालाघाट जिले के प्रत्येक पंचायतों में यह योजना संचालन की जाएगी एवं सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का ग्रामीण क्षेत्र में संस्था पूरा पूरा सहयोग करेगी। और यहाँ जो आयोजन प्रशिक्षण किया गया, जिसमें 45 परीक्षार्थियों ने भाग लिया है, बालक 22, महिला समूह 5 ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, जो यह प्रशिक्षण 45 दिनों तक संचालन की जाएगी। उद्घाटन समारोह में उपस्थित ग्रामीणों का एवं क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग रहा एवं छोटी डोंगरगढ़ युवा समिति का भी योगदान रहा एवं गांव के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे एवं उपस्थित संस्था सचिव विवेक वाड़कर जी, बालाघाट ग्राम उत्थान सेवा कल्याण समिति सचिव एवं उपस्थित श्री राजेंद्र वर्मा जी, ग्राम उत्थान सेवा कल्याण समिति फील्ड ऑफिसर एवं उपस्थित मिलिंद भालेकर जी भरवेली, MPCG समाचार संपादक एवं प्रेम मरकाम जिला संयोजक, ग्राम उत्थान सेवा कल्याण समिति हेमराज मरावी, वेद प्रकाश एवं श्रीमती कला पंच, तिलक जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं ग्रामवासी श्याम सिंह मरावी, लखन मरावी ग्राम पंचायत सचिव अशोक पटेल जी एवं धर्म मरावी, और विशेष सहयोग के रूप में हमारे संस्था के क्षेत्रीय प्रभारी आशा खैरवाल, आशीष एवं क्षेत्रीय पत्रकार चित्रसेन राहंगडाले एवं क्षेत्र की जनता भी उपस्थित रही।
इसके बाद प्रशिक्षण का कार्य आज दिनांक से प्रारंभ कर दिया गया है। संस्था के द्वारा बहुत अच्छी पहल यहाँ एक जरूर एक नए भारत का निर्माण करेगी। लघु उद्योग कुटीर उद्योग को हर घर में स्थान मिले और हर खाली हाथ को काम मिले, यही कहकर यह संस्था प्रमुख ने कार्यक्रम को संचालन किया।